Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture related to the series and the parallel combination of registers problem, तो हमने उससे related कुछ numerical solve किए थे, तो आज भी हमने वही solve करने हैं, but आज कुछ हम जो use करेंगे, concept use करेंगे Wheatstone bridge का, and then we will solve the network problem related with it. Clear? तो देखिए आपने करना क्या students, हमेशा याद रखना, जैसे मान लो कि मेरे पास ये रजिस्टर्स हैं, यहां पे मैंने ये रजिस्टर्स इस टाइप से लिए हैं और एक रजिस्टर्स ये है एंड दिस पॉइंट इज ए एंड बी और ये जो रजिस्टेंस है आपके पास 2 ohm इस टाइप से हैं और आपने क्या करना है, इसका टोटल रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आर ए बी, ये टोटल फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो अगर हम सोचें तो इसमें ना हमें समझ नहीं आता कि सीरीज में कौन से और पैरेलल में कौन से हैं, क्योंकि करंट यहां से जाएगा, देन वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद यहां से जाएगा, फिर वो डिवाइड हो गया, ठीक है, और फिर यहां से जाएगा, यहां पे मीट करेंगे, देन कभी हम सोचते हैं कि ये इसके साथ पैरेलल में है, ये इसके साथ सीरीज में, देन वी विल गेट कंफ्यूज. जबकि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगना है, बिल्कुल डिफरेंट लगना है, यहां पर लगना है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट. जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेशियो. रेशो आप देखो कि क्या है, जैसे 2/2 इक्वल टू 2/2, आपने जो रेशो चेक करनी है 2/2 इक्वल टू 2/2, तो ये मेरे पास क्या आया 1/1 इक्वल टू 1/1. अगर ये रेशो आपके पास सेम है तो आप क्या करोगे, जो मिडिल पार्ट में रेजिस्टेंस है उसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि इसमें से करंट पास आउट नहीं होगा. अगर करंट पास आउट नहीं होगा तो ये क्या होगा, हमारे लिए यूजलेस है, तो आप इसको निग्लेक्ट कर दो. तो आप क्या हो गए, ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में आ गए. तो जब ये दोनों सीरीज में आएंगे तो 2+2 कितना हो जाएगा 4 और ये 2+2 कितना हो जाएगा 4 और 4 और 4 क्या हो जाएंगे, मेरे पास पैरेलल में हो जाएंगे. देन आपके पास क्या होगा 1/RP इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होगा 4 1+1 तो कितना आ गया 2/4 तो यहां पर आ गया ये 1/2. तो आरपी कितना आ गया आपके पास 2 ohm आ गया, मीन्स जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आपके पास कितना आएगा 2 ohm आएगा. बस आपने करना क्या है, जस्ट कि रेशियो चेक करनी है. अगर रेशियो सेम है देन यू कैन निग्लेक्ट. और स्टूडेंट इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या है, अगर सारे रेजिस्टेंस आपके पास सेम वैल्यू के गिवन हो और वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा हो, देन जो आपके पास उसका टोटल आंसर होगा वो क्या होगा, जो एक वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी. यू कैन सी कि मेरे पास ओवरऑल आंसर 2 आया है और यहां पे एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ohm है, तो ये हमारे पास आंसर होगा. बट ये तभी एप्लीकेबल है अगर सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होंगे. सपोज करो अगर सारे 3-3 के हैं तो ओवरऑल आंसर मेरे पास 3 होगा, अगर सारे 5-5 के हैं देन ओवरऑल आंसर मेरे पास क्या होगा 5 होगा. इस टाइप से हम कर सकते हैं. अब देखिए इसी में मैं आपको नेक्स्ट करा रहा हूं. लाइक जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ये, एक रेजिस्टेंस है ये, और इसको मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं. यहां पे जस्ट मैंने इसको कनेक्ट किया ऐसे लाइक दिस. ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये 2 ohm है, ये भी 2 ohm है, 2 ohm 2 ohm 2 ohm. इसका मैंने ओवरऑल रेजिस्टेंस मेजर करना है. अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से करंट गया, देन वो डिवाइड हुआ, फिर करंट गया, फर्दर डिवाइड हुआ, देन वी विल गेट कंफ्यूज. बट स्टूडेंट अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. जस्ट बाय द स्ट्रेचिंग आपने इसे सॉल्व करना है. आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट फिक्स रखना है, ये वाला पार्ट आपने फिक्स रखा, देन इसको ऊपर की साइड और इस वाले पार्ट को नीचे की साइड आप क्या करो, स्ट्रेच कर दो. लाइक जैसे मैं मान लेता हूं, देखिए इसको मैंने सी कंसीडर किया, इसको मैंने डी कंसीडर किया, तो मैंने क्या रखा, सी और डी तो फिक्स रखा, यहां पे सी और डी मैंने फिक्स रख लिया और इसको मैंने ऊपर की साइड स्ट्रेच किया. जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो क्या आएगा, इस टाइप से आएगा, इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, तो ये है मेरे पास ए पॉइंट. क्लियर? और इसको मैंने नीचे की साइड स्ट्रेच किया, तो इसको स्ट्रेचिंग मैंने करी इस टाइप से, लाइक दिस, ये मैंने कर ली. ये आपके पास 2 ohm है, ये भी 2 ohm है, 2 ohm 2 ohm 2 ohm.
नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म ही है, तो इसमें क्या हो गया रेशियो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो आप इसे क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा, टू। मतलब आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लाइक जैसे ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जैसे मैंने नेटवर्क लिया है इस टाइप से, ये है आपके पास, और यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये सारी वैल्यूज है मेरे पास 2 ओम की। देन आपने इसे सॉल्व करना है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस होगा क्या, क्लियर। अब देखिए अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो अच्छे से, तो ये वाला जो पार्ट आपके पास है ये ओवरऑल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वाला पार्ट आप क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, और आपको पता है इसको सॉल्व करके क्या आएगा, टू ही आएगा। अब स्टूडेंट ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस आया है इसके साथ कैसे होगा, वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। कि जैसे देखिए कि मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस आया है 2 ओम का, ये जो नेक्स्ट 2 ओम है उसके साथ ऐसे पैरेलल में हो जाएगा, ये है ए ये है बी, तो ये है 2 ओम ये है 2 ओम, तो यहां पे दोनों पैरेलल में होंगे, तो क्या आएगा 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 1, तो आरपी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास इक्वल टू 1 ओम, तो ये आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें ना एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को जो हमेशा रहती है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ए और बी है ऐसे, तो इसका मतलब यहां पे बैटरी ऐसे कनेक्ट है, और यही प्रॉब्लम ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्या, ये देखिए अगर मैं यहां पे बैटरी इस प्लेस पे ना लगा करके मैं बैटरी लगा देता हूं यहां पे, मैंने बैटरी लगा दी यहां पे, देन मैंने करना है, आपको पता है इसका 2 ही आएगा, तो इसका तो मैंने इस टाइप से 2 बना लिया, ये 2 है और बैटरी है अब यहां पे। अब बैटरी अगर यहां पे है तो ये सीरीज में हो जाएंगे दोनों, तो इस केस में मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओम होगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पे कितना आएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट एक सिंपल सा सर्किट है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है यहां पे, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, और ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो 2 ओम वैल्यूज के हैं, क्लियर। और यहां पे एक रेजिस्टेंस आपको दिया गया है इस टाइप से, ठीक है, ये भी 2 ओम का है। तो एक बार एग्जाम में आया था कि टोटल वैल्यू बताओ ए और बी के बीच में कितनी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि इसको निगलेक्ट कर दो और आंसर सॉल्व कर लो कि 2 ही आएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देख सकते हो कि वो रेजिस्टेंस था इस साइड, क्लियर, और यहां से जब करंट जा रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, उस क्वेश्चन में ऐसे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बट यहां पे आपके पास क्या है रेजिस्टेंस इस पार्ट्स में दे रखा है, अगर वो यहां पे गिवन है तो यहां से करंट क्या होगा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अगर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म नहीं है, ये सिंपल है, ये सीरीज है, ये भी सीरीज है, तो ये आपके पास क्या आ गया 4, ये भी 4 और ये 2, 4 2 4, ये क्या हो गए पैरेलल में, तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन आरपी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी एक ये 4 था, ये वाला 4 होगा, क्लियर, क्योंकि ये 4 है ये 4 है ये 2 है, तो उसके हिसाब से होगा। तो यहां पे 4 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 4/4 इक्वल टू 1, तो आरपी कितना आ जाएगा आपके पास 1 ओम का आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये तो था थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, और जो नेक्स्ट है हमारी जो मेन डिस्कशन होगी वो किस चीज के ऊपर होगी, मतलब ये तो था व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है वो मेनली किस चीज के ऊपर हमने मेनली डिस्कस करना है, सिमेट्रिक सर्किट के ऊपर, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट।